नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा, मैं हूँ टैरो का रीडर वाटू एक्सपर्ट और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी। आप सब जानते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है स्पाटिक में। यदि हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं और लक्ष्मी माँ का मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो हम स्पाटिक से करते हैं। माँ स्पाटिक से अति प्रसन्न होती है और माँ का वास होता है स्पाटिक में। तो स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी जो मंत्रों द्वारा पूजित किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूजा की जा रही है निरंतर स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश की, सिद्ध किया जा रहा है हीलिंग द्वारा, यंत्रों द्वारा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यदि आप इस बार दिवाली में, दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी आपके घर पर आएँ, आपकी सभी परेशानियों का अंत करने, आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियों का अंत करने, तो आप ज़रूर मंगवाएं हमारे संस्थान से अपने लिए लक्ष्मी और गणेश जी। तो इन नंबरों पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं लक्ष्मी और गणेश जी। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। आप मुझे देख रहे हैं इस चैनल पर, आप मुझे इसके अलावा भी देख सकते हैं पावन बाय रूपा बुद्धि राजा पर। आप वो चैनल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे दिवाली की, कुछ ऐसे उपाय जो आप दिवाली वाले दिन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसे मात्र उपाय जो दिवाली पर, दिवाली पूजन में किए जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रात होती है अमावस्या की, दिवाली वाली, इस दिन किया गए उपाय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, खासकर धन से रिलेटेड। यदि आप बहुत टाइम से परेशान हैं धन से परेशान हैं और परेशान तो हैं आप, लेकिन आप अगर यदि चाहते हैं कि मेरा आने वाला साल ठीक रहे, तो इस दिवाली पर, इन धनतेरस पर कुछ उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूजन जब आप दिवाली का करते हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि दिवाली पर जो आप कर सकते हैं, जो आपके धन से जुड़ी हुई हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। देखिए, तिजोरी में दिवाली वाले दिन आप पहले तो जो सुबह उठते हैं, शिवलिंग पर जल ज़रूर चढ़ाया जाता है। दिवाली वाले दिन सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेना अनिवार्य होता है। जल चढ़ाने के बाद ही अपना दिन शुरू करें। और जब आप आते हैं और शाम को पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, तो लाल कपड़ा ज़रूर बिछाएं और उसी पे माँ लक्ष्मी को बिठाएं। लाल कपड़ा एनर्जी का प्रतीक होता है, शुभता का प्रतीक होता है। ज़रूर नीचे लाल बिछौना बिछाएं या लाल कोई चौकी होनी चाहिए जिस पे आप माँ लक्ष्मी को, माँ गणेश जी को विराजमान करें और उनका पूजन करें। साथ ही साथ 10 के नोट की नई गट्टी, बहुत विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सिंपल उपाय ही बताती हूँ, कोई ऐसे उपाय नहीं बता रही हूँ कि आप नहीं कर सकते। घर की चीज़ों से ही मैक्सिमम मैं ज़्यादा उपाय बताती हूँ। 10 के नोट की गड्डी आप ले लीजिए नई, उस पर आप स्वास्तिक बनाएं और महालक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं। जब आप रात को पूजन करते हैं लक्ष्मी माता का, आवाहन करते हैं माँ लक्ष्मी का, गणेश जी का आवाहन करते हैं, 10 के नोट की गड्डी ज़रूर चढ़ाएं। और जब भी आप पूजन करें दिवाली का, बहुत सारी चीज़ें अर्पण की जाती हैं माता को, जब भी आप पूजन करें अपनी श्रद्धा अनुसार, लगभग 3 दिन तक, दिवाली के आगे के 3 दिन तक माता की चौकी को हिलाना नहीं चाहिए, या जो भी जो आपके जो सामान चढ़ाया हुआ है, जो फ्रूट चढ़ाया हुआ है, जो भी आपने चीज़ें चढ़ाई हुई हैं, वो आपको नहीं हिलानी 3 दिन तक। उस चौकी को, उस चीज़ों को ऐसे ही रहने देना है। 3रे दिन जाकर आपने उसको, सामान को हटाना है, चाहे वो फल हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आप माता को जो भी आपने अर्पित किया है, आपके घर के जितने भी पैसे हैं ना, वो आप माता रानी के आगे रख सकते हैं। यदि आपकी जो लॉकर में पैसे हैं या जो भी हैं, उस रात आप उसको वहाँ पड़ा रहने दीजिए। आपके नोटों में बरकत आएगी जब वो आप दिवाली के अगले दिन या दिवाली के 3 दिन बाद, यदि आप रख सकते हैं, आपका रूम लॉक है या ऐसी जगह पर है कि आप अपना पैसा या धन वहाँ रख सकते हैं, वहाँ रख दीजिए। और 3 दिन बाद जब अपना धन उठाकर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो बरकत होती है। और जैसा कि मैंने बताया, 10 के नोट की गड्डी आप चढ़ाएं माता को, और उसी 10 की नोट की गड्डी को लाल कपड़े में लपेट दें आप, अच्छे से फोल्ड कर आप अपनी तिजोरी में रखें। ये पूरे साल धन को आकर्षित करेगी, बरकत का काम करेगी, मात्र 10 के नोट की गड्डी रख कर देखिए। आप खुद कहेंगे, खुद अनुभव करेंगे इस चीज़ का, कि जो आने वाला 1 साल होगा आपके लिए, आपको धन की समस्या नहीं होगी।
और मैं बात कर रही हूँ अपनी तिजोरी में बैठी हुई माँ लक्ष्मी की फ़ोटो ज़रूर लगाएं। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, धन से रिलेटेड ही आते हैं, इसीलिए मैं आपको आज धन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए ये बहुत छोटे ही उपाय हैं लेकिन आपको फ़ायदा देंगे। बैठी हुई महालक्ष्मी की फ़ोटो लगाएं, ज़रूर लगाएं कि ऐसा आपका लॉकर हो जब आप खोलें या बंद करें महालक्ष्मी माता उसमें विराजमान हो, ऐसा आप ज़रूर करें। माना जाता है माँ लक्ष्मी को बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं दिवाली वाले दिन, चावल चढ़ाए जाते हैं, कोड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें और चढ़ाई जाती हैं जो माँ को बहुत प्रिय हैं। उनमें से प्रिय है एक सुपारी। यदि आप एक सुपारी चढ़ाते हैं और उस पर मोली बांधते हैं और माँ के चरणों में अर्पित करते हैं और उस पर टीका करते हैं मोली पर, माँ अति प्रसन्न होती है। ये चीज़ अपने पूजा में ज़रूर शामिल कीजिएगा आप। जो दिवाली के पूजा के आपको गुण मिलने हैं, जो आपको फ़ायदा होना है वो बढ़ जाएगा। साथ में आप कनक धारा स्रोत्र ज़रूर पढ़ें। लक्ष्मी माँ की जब भी आराधना करें कनक धारा स्रोत्र आप ज़रूर पढ़ें। जब आप सारा पूजन कर लें तो आप शांति से मौन धारण करके 5 मिनट माँ लक्ष्मी के आगे ज़रूर बैठें। कोई इच्छा कोई चीज़ नहीं, सिर्फ शांति से अपना और माँ का कनेक्शन, एक होता है ना माँ के साथ कनेक्शन बनाना, ये ज़रूर बनाइएगा मात्र 5 मिनट इस दिवाली पर, ताकि आपका आगे आने वाला साल बहुत अच्छा हो। ये बहुत छोटे से उपाय हैं, करके देखिए, लाभ उठाइए अपने जीवन में, सुखी अपने जीवन में लाभ उठाइए और धन धान्य से अपना जीवन भरिए। मेरी मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाए इस दिवाली पर, आपको सेहत मिले, धन मिले और आपकी झोली खुशियों से भर जाए। इस दिन हम स्पाटिक के, दिवाली वाले दिन स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश भी लेकर आते हैं। बड़ा शुभ होता है इस दिन लक्ष्मी माता को लेकर आना, जो कि स्पाटिक के होते हैं। आप हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं यदि आप चाहें, हमारे यहाँ पर सिद्ध किए हुए लक्ष्मी और गणेश आपको मिल सकते हैं। दिवाली से पहले यदि आप ऑर्डर करते हैं तो आपके घर तक आ जाएंगे। तो उनको यदि आप स्थापित करते हैं और पूरा साल पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का वास होता है स्पाटिक में, अति विशेषकर होते हैं। आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, मंगा सकते हैं और अपने जीवन में धन को और आकर्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा, मैं हूँ टैरो का रीडर वाटु एक्सपर्ट और साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी। आप सब जानते हैं माँ लक्ष्मी का वास होता है स्पाटिक में। यदि हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं और लक्ष्मी माँ का मंत्र उच्चारण भी करते हैं तो हम स्पाटिक से करते हैं। माँ स्पाटिक से अति प्रसन्न होती है और माँ का वास होता है स्पाटिक में। तो स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश जी जो मंत्रों द्वारा पूजित किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर पूजा की जा रही है निरंतर स्पाटिक के लक्ष्मी गणेश की, सिद्ध किया जा रहा है हीलिंग द्वारा, यंत्रों द्वारा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यदि आप इस बार दिवाली में, दिवाली के पूजन में माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी आपके घर पर आएँ, आपकी सभी परेशानियों का अंत करने, आपकी धन से संबंधित सारी परेशानियों का अंत करने, तो आप ज़रूर मंगवाएं हमारे संस्थान से अपने लिए लक्ष्मी और गणेश जी। तो इन नंबरों पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं लक्ष्मी और गणेश जी। धन्यवाद।